जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 13 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी दोस्तों आज चैप्टर 14 आयतन एवं धारिता की संकल्पना तथा इकाइयां प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा है, पहला लेक्चर है। दोस्तों यह भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में इस चैप्टर को सीखा था, पढ़ा था, तो यदि आपने वहाँ अच्छे से सीखा है तो आपको सब कुछ पता होगा कि आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या है, धारिता कैपेसिटी है क्या वास्तविकता में, और यहाँ से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे ये आपको पहले से पता होगा। कुछ नए प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे, वो दोस्तों आज क्लास में कराऊंगा, और आयतन और धारिता कैपेसिटी है क्या वास्तविकता में वो आपको आज जानने को मिलेगा। दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आयतन एवं धारिता की संकल्पना तथा इकाइयां में आपको सबसे पहले सीखना है आयतन वॉल्यूम क्या होता है। आयतन तो पहले दोस्तों लिख लीजिए इसको, फिर समझाता हूं आयतन वॉल्यूम है क्या। एक ठोस त्रिविमीय, एक ठोस त्रिविमीय जितना, एक ठोस त्रिविमीय जितना स्थान घेरता है, एक ठोस त्रिविमीय जितना स्थान घेरता है वह इसका आयतन कहलाता है, वह एक ठोस त्रिविमीय जितना स्थान घेरता है वह इसका आयतन कहलाता है, या वह इसका इसे कहते हैं ठोस का, वह इसका आयतन आयतन कहलाता है। ठीक है, इसकी क्या इकाइयां भी कहा है, तो इसकी इकाई देखिएगा, इकाई किसकी इकाई, आयतन की। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आयतन की इकाई पहले लिख लीजिए, फिर समझाता हूं अच्छे से। ठीक है, आयतन की इकाई मीटर क्यूब या इसी को कहते हैं घन मीटर, या दोस्तों इसी को कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब। नहीं बात समझे, मतलब मीटर क्यूब कहे चाहे घन मीटर कहे, ये एमकेएस पद्धति है, आपने साइंस में पढ़ा होगा एमकेएस एसआई सिस्टम, तो ये एसआई सिस्टम में है, ये एमकेएस सिस्टम है एसआई सिस्टम में कह लें, ये दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब है ये आपके सीजीएस सिस्टम में, ये आपने सीखे होंगे सेंटीमीटर क्यूब होता है। अभी समझाऊंगा वास्तविकता में ये सेंटीमीटर और मीटर कैसे हुआ। ठीक है, अब ध्यान समझिए, कह रहा है एक ठोस त्रिविमीय जितना स्थान घेरता है वह इसका आयतन कहलाता है। ठोस त्रिविमीय मतलब इसमें तीन विमाएं होती हैं, तीन विमाएं कौन कौन सी दोस्तों, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी एंड ऊंचाई होगी, लेंथ विड्थ एंड हाइट होती, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसलिए कहा त्रिविमीय आकृति, कैसा आयतन एक त्रिविमीय है, इसलिए कहा एक ठोस त्रिविमीय जितना स्थान घेरता है, एक ठोस हो जो त्रिविमीय हो जितना स्थान घेरेगा वह उसका दोस्तों क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। जैसे ध्यान से समझिएगा उदाहरण के माध्यम से, मान लेते दोस्तों यह एक हमारा घनाभ है, वो ध्यान से देखिएगा एक घनाभ बना रहा हूं, ये देखिए ये हमारा घनाभ बन के तैयार हो गया, तो घनाभ दोस्तों इसकी लंबाई भी होगी, तो दोस्तों ध्यान समझिएगा या नीचे यानी दोस्तों इसकी लंबाई होगी, ये इसको कहेंगे L से लिखते हैं लेंथ को,
ठीक है। ये दोस्तों हमारी यहां से यहां तक इसकी चौड़ाई बी हो गई है के विड्थ, ये दोस्तों हमारा होगा यहां से यहां तक, और दोस्तों ये इसकी हाइट एच हो गई, ये क्या हो गया हमारा एच हो गया, ठीक है। तो ये हमारी लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई हो गया, तो ये घनाभ हो गया। अब देखिए ये ठोस भी है और त्रिभुज, जिसमें इसमें जितना स्थान घेरता है, ये जितने स्थान को कवर किए ठोस वह उसका आयतन कहलाता है। अब ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, घनाभ जो घनाभ दे रखा है इसका, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आयतन क्या होगा दोस्तों, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई, किसकी लंबाई, घनाभ की लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों लंबाई को कैसे लिखते हैं, एल से, इसलिए एल इंटू चौड़ाई को कैसे लिखते हैं बी, तो बी हो गया, इंटू ऊंचाई को कैसे लिखते हैं एस, तो एल बी एच, देखिए तीन एल बी एच, यानी कि यदि आयतन है तो उसमें तीन बीमाएं होंगी, तीन बीमाएं कौन सी, उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी एंड ऊंचाई भी होगी, यदि आयतन है तो तीन बीमाएं होंगी, ये फिक्स है, इसलिए कहा त्रिविमीय आकृति है। अब देखिए यहां पर लिखा इकाई, क्या है इकाई, आयतन की इकाई मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होता, यदि हम इस घनाभ की लंबाई को मीटर में नापेंगे तो चौड़ाई भी हमारी मीटर में नाप लिया और ऊंचाई भी मीटर में, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मीटर में नापा जाता है। तो दोस्तों ध्यान समझिए घनाभ की इकाई क्या होगी, घनाभ की इकाई, घनाभ की इकाई, देखिए लंबाई की इकाई क्या दोस्तों, तो लंबाई की इकाई क्या, लंबाई का मात्रा क्या होता है, लंबाई किसमें नापी जाती है, मीटर में, इसलिए मीटर हो गया। और दोस्तों देखिए जो चौड़ाई, चौड़ाई किसमें नापी जाती है, भी तो मीटर एक प्रकार की लंबाई ही तो है, तो इस दोस्तों इसका भी मीटर हो गया मात्रक, एंड ऊंचाई ये भी दोस्तों एक प्रकार की लंबाई ही तो है, इसलिए इसका भी मीटर। अब देखिए मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तीन बार मीटर लिखा, जब आधार समान होते घाते जुड़ जाती है, इसकी पावर एक, इसकी पावर एक, इसकी पावर एक, यानी दोस्तों कितना लिखा, मीटर की पावर एक प्लस एक कितना है, मीटर की पावर तीन, या दोस्तों इसको कहते हैं घन मीटर, चाहे मीटर क्यूब कहें चाहे घन मीटर कहें बात एक ही। आप दोस्तों ध्यान समझिएगा घनाभ की इकाई क्या, मीटर क्यूब या घन मीटर, कैसे आई वो मैंने आपको समझा दिया, यहां पे लिखा मीटर क्यूब। अच्छा यदि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को सेंटीमीटर में हम नापते, किसमें नापते, सेंटीमीटर में नापते, तो दोस्तों हमारा क्या आता जाके यहां पर घनाभ की इकाई क्या आ जाती, सेंटीमीटर में आती जाके, जैसा हम नापेंगे जिसमें हमारी लेंथ विड्थ एंड हाइट दे रखी होगी, सेंटीमीटर में दे रखी होगी तो सेंटीमीटर में हमारा आएगा आंसर आएगा, यदि मीटर में दे रखी होगी तो मीटर में आएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे वास्तविकता में वॉल्यूम आयतन है क्या, सीख चुके कि नहीं सीख चुके, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। एक चीज और लिख लीजिएगा यहीं पर नोट, नोट चलिए सर लिख दिया सर, नोट बस इतना ही लिखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, चलिए मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं धारिता, तो हेडिंग डाल लीजिए धारिता, कैपेसिटी क्या होती है धारिता, बहुत ध्यान से देखिएगा, धारिता क्या होती है इसको देखिए लिख लीजिए, मैं समझाता हूं अच्छे से। किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जाता है किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जाता है वह उसकी धारिता कहलाती है। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जाता है वह उसकी धारिता कहलाती है।
कोई बर्तन ले लीजिए, उस बर्तन में जितना द्रव पदार्थ दे, मान लेते कोई बाल्टी है, तो बाल्टी में जितना पानी आ जा रहा है वह उस बाल्टी की धारिता कहलाएगी। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये पात्र है, ठीक है, मान लेते इस पात्र में यहां ये द्रव भरा है, इस पात्र में मान लेते यहां तक द्रव भर दिया गया, तो इस पात्र में यहां तक जो द्रव भरा गया 10 लीटर है, कितना 10 लीटर, कितना आ रहा 10 लीटर, यानी कि जो ये पात्र दे रखा है, जो भी पात्र हो उस पात्र में 10 लीटर आ रहा है, तो हम पूछें कि इस पात्र की धारिता क्या होगी, तो आप बताएंगे इस पात्र की धारिता 10 लीटर होगी। इस पात्र की कैपेसिटी क्या है, क्षमता क्या है, ये पात्र में कितना पानी आ सकता है, तो आप बताएंगे सर इस पात्र में 10 लीटर पानी आ सकता है। तो जब इस पात्र में 10 लीटर पानी आ सकता है, जितना किसी बर्तन में जो द्रव आता हो, जितना किसी बर्तन में द्रव आ जाता है वही उस बर्तन की धारिता कहलाती है। यानी इस पात्र में 10 लीटर पानी आ रहा है या 10 लीटर दूध आ रहा है, जो भी इसमें आ रहा है वह उसकी धारिता कहलाएगी। आपके घर में जग है, उस जग में यदि मान लेते हैं कि 2 लीटर पानी आता है या 2 लीटर दूध आता है, जो भी मात्रा रखेंगे 2 लीटर आ रहा है, तो उस जग की जो धारिता होगी, कैपेसिटी होगी, वो 2 लीटर होगी। आपके घर में जो मग है, उस मग में मान लेते हैं 1 लीटर पानी आता है, तो उस मग की धारिता कितनी होगी, 1 लीटर होगी। बस कहने का मतलब है कि किसी बर्तन में जितना भी द्रव आ जाता है, ये लिखा भी है, किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जाता है, मतलब जितना द्रव पदार्थ उस बर्तन में आ जाता है वही उसकी धारिता कहलाती है। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुई तो उदाहरण से लिखिएगा दोस्तों, ध्यान से उदाहरण 20 का लिख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, किसी बर्तन में 10 लीटर द्रव आता है। अच्छा, ये मान लीजिए पानी है, तो पानी कह सकते हैं 10 लीटर द्रव आता है, 10 लीटर द्रव आता है, 10 लीटर द्रव आता है, आता है, तो उस बर्तन की धारिता क्या हो जाएगी, 10 लीटर होगी, उस बर्तन की धारिता 10 लीटर होगी। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा, कह रहा है किसी बर्तन में 10 लीटर द्रव आता है तो उस बर्तन की धारिता कितनी, 10 लीटर होगी। ये तो समझ गए, किसी बर्तन में जितना द्रव आ जाए, पानी आ जाए, दूध आ, जो भी हो, लिक्विड फॉर्म में हो, वही उसकी कैपेसिटी धारिता कहलाएगी। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा। अच्छा, इसका मात्रक यानी कि इकाई क्या होगी, अभी आपने देखा क्या किसमें नापा, लीटर में, या तो लीटर में नापेंगे या तो मिली लीटर में नापेंगे, इसे लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा इसकी इकाई दोस्तों लिखेंगे क्या होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, इकाई लिखिए क्या होगी, समझ गए ना, धारिता यानी कैपेसिटी की इकाई, धारिता की इकाई क्या होती दोस्तों, लीटर या मिली लीटर, मिली लीटर होती है, मिली लीटर होती है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो धारिता की क्या है, लीटर या मिली लीटर होती है। आइयो, मुझे उम्मीद है कि आप धारिता और आयतन, आयतन और धारिता की संकल्पना क्या, वास्तविकता में आयतन और धारिता है क्या, वो आपने अच्छे से सीख लिया होगा और उसकी इकाई भी आपने जान लिया। कुछ प्रश्न भी इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, तो उन प्रश्नों को दोस्तों देख लेते हैं। चलिए फटाफट नोट करिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है और आप अच्छे से समझ पा रहे हैं जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए, और इतना ज्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु हैं उन सभी प्रशिक्षुओं तक यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, जो भी अकाउंट चलाते हो उस हर अकाउंट पर इस वीडियो का लिंक दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कहता है प्रश्न।
ध्यान से देखिएगा पहला प्रश्न चैप्टर का, और बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है चैप्टर का, एक लीटर मिट्टी के तेल नाम सुना है कि नहीं? जरूर सुना होगा। की कीमत 16 रुपए हो, ठीक है। एक लीटर मिट्टी के तेल की कीमत 16 रुपए हो, एक कनस्तर की कीमत क्या होगी? एक कनस्तर की कीमत क्या होगी? देखिए कितना आसान प्रश्न है, पर आता हूं तब आसान है, ना समझिएगा, नोट कर लिया? चलिए, कह रहा है 1 लीटर मिट्टी के तेल की कीमत 16 रुपए। यदि आप मार्केट से 1 लीटर मिट्टी का तेल खरीदते हैं तो आपको 16 रुपए का मिलेगा, ये प्रश्न कह रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है एक कनस्तर की कीमत क्या होगी, हमें एक कनस्तर की तो कीमत क्या होगी। अब आपको ये पता होना चाहिए जो कनस्तर है उस कनस्तर में कितना तेल आ जाएगा। जैसे आपके पास पिपिया होती है, गांव में सुना होगा ना पिपिया है, या बड़ा बड़ा ड्राम होता है उसमें तेल रखा जाता है, इसी प्रकार एक कनस्तर पात्र है जिसमें तेल रखा जाता है, तेल या पानी जो भी रखना चाहे, तेल पानी जो भी आपके पास, आयल जो भी आपके पास व्यवस्था उसमें रख सकते हैं। कनस्तर एक पात्र होता है, जिस तरीके से हमारा ड्रम होता है और क्या होता है पिपिया होती, नाम सुने होंगे ना, सुने होंगे, इसी प्रकार कनस्तर भी हमारा पात्र। इस पात्र की क्या क्वांटिटी होती, क्या मात्रा होती है, अभी देखिएगा, यही पता हो तो प्रश्न लग जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखिएगा दिया क्या है, दिया है 1 लीटर मिट्टी के तेल की कीमत, 1 लीटर मिट्टी के तेल की कीमत बराबर ₹16। चूंकि ध्यान समझिएगा, चूंकि एक कनस्तर में मिट्टी का तेल आता है बराबर मतलब उसमें इतना भरा जा सकता है, आता है बराबर, यानी कि एक कनस्तर में मिट्टी का तेल आता है या भरा जाता है बराबर, भरा जा सकता है बराबर, जा सकता है बराबर, इस बात को ध्यान दीजिए, 16 लीटर, बस यही मेन बात है, यही मेन पॉइंट है इस प्रश्न का। क्या एक कनस्तर में मिट्टी का तेल भरा जा सकता है 16 लीटर? मतलब जिस प्रकार से मैंने अभी बताया कि पिपिया होती है, ड्रम होता है, उसमें क्या तेल या पानी भरा जाता है, या पानी की टंकी होती तो कहते हैं 500 लीटर 1000 लीटर ऐसे आती कि नहीं आती, उसी प्रकार कनस्तर भी एक पात्र है जिसमें द्रव रखा जाता है। तो एक कनस्तर में जो 16 लीटर भरा जाएगा, चाहे पानी हो चाहे तेल, जो भी होगा, जो भी प्रश्न कह रहा है वो हम मानेंगे, तो 16 लीटर आता है, और 1 लीटर की कीमत कितनी है 16 रुपए, 16 की मल्टीप्लाई 16 से कर दीजिए, बस हो गया। अतः क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूछा एक कनस्तर की, अतः या एक कनस्तर की कीमत, इसीलिए एक कनस्तर की कीमत कितनी हो जाएगी, 16 गुणे 16 हो जाएगा, और 16 गुणे 16 कितना, तो 256 रुपीज हो गए, ये हमारा आंसर आ गया। तो अतः ऐसे लगा ही अतः एक कनस्तर की कीमत बराबर 256 रुपीज, एक कनस्तर की कीमत बराबर 256 रुपीज हो गया, कर लेंगे कि नहीं, बस इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी इस शब्द का प्रयोग किया जाए, कनस्तर का यूज किया जाए, तो बस इतना दिमाग में रखें, एक कनस्तर में 16 लीटर द्रव आता है,
अब चाहे पानी की बात कहे, चाहे तेल की बात कहे, कुछ भी कहे, चाहे मिट्टी का तेल कहे, चाहे पेट्रोल कहे, चाहे डीजल कहे, कुछ भी कहे, द्रव होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न का सेकंड। एक लीटर मिट्टी के तेल की कीमत 22 रुपए हो तो दो कनस्तर की कीमत क्या होगी? एक कनस्तर में 16 लीटर आता है, इसलिए दो कनस्तर में कितना? 32 लीटर आएगा, 32 की मल्टीप्लाई 22 से। मैंने तो पूरा प्रश्न बता ही दिया, चलिए इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है प्रश्न संख्या 3 आपसे कह रहा है, ये भी अच्छा प्रश्न है, 3 नंबर। एक कनस्तर में कितने अर्ध बोतल तेल आएगा, अर्ध बोतल तेल आएगा आएगा एक कनस्तर में कितने अर्ध लीटर तेल आएगा, एक अर्ध बोतल तेल आएगा। अब ध्यान समझिए, अभी मैंने आपको बताया कि एक कनस्तर बराबर 16 लीटर होता है, दोस्तों ध्यान समझिए, एक अर्ध बोतल बराबर 1/2 लीटर। ये बात समझ पाए कि नहीं? क्या एक अर्ध बोतल मतलब एक अर्ध बोतल में जो भी द्रव रखे, पानी रखे, यहां तो ये तो तेल की कह रहा है, तो एक अर्ध बोतल में जो तेल आता है वो आधा लीटर आता है, एक अर्ध बोतल बराबर आधा लीटर, इसलिए कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां से 1 लीटर कितना हो जाएगा, 2 अर्ध बोतल हो जाएगा, समझेगा। इसलिए दोस्तों देखिए 1 लीटर बराबर, अच्छा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अर्ध लीटर बराबर 2 अर्ध बोतल बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 लीटर हो जाएगा। कितनी बात क्लियर हुई? क्या एक अर्ध बोतल बराबर 1/2 लीटर, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसके नीचे 1 मान सकते हैं पूरे के नीचे की नहीं, 1 जब 1 मानेंगे तो इस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसके नीचे 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही लीटर रहेगा। अब ध्यान समझिएगा, क्या एक कनस्तर बराबर कितना होता है, एक कनस्तर बराबर 16 लीटर, ये तो आप पहले से जानते हैं 16 लीटर, ये अभी मैंने बताया, एक कनस्तर में कितने लीटर तेल आएगा, 16 लीटर आएगा, इसीलिए दोस्तों एक कनस्तर में देखिए 16 लीटर, 1 लीटर में 2 अर्ध बोतल, ध्यान समझिएगा जो बताने का प्रयास कर रहा हूं, 1 लीटर में 2 अर्ध बोतल होता है, इसीलिए 16 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर, भाई 16 को 1 × 16 लिख दे कोई दिक्कत, और इस 1 की जगह पर हम कह सकते 2 × 16, या इसे लिख लीजिए 16 × 2 अर्ध बोतल, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 × 2 = 32 अर्ध बोतल आएगा, अर्ध बोतल, एक कनस्तर कितना हो जाएगा, एक कनस्तर में कितने, क्या पूछा था, एक कनस्तर में कितने अर्ध बोतल तेल आएगा, तो एक कनस्तर में 32 अर्ध बोतल तेल आएगा, तो लेकिन अतः एक कनस्तर में 32 अर्ध बोतल तेल आएगा, बराबर आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, अतः एक कनस्तर में 32 अर्ध बोतल तेल आएगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, तो ये भी आसान है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ पा रहे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला देखिएगा, अच्छा यहीं पर यदि हम कह दें कि दो कनस्तर में कितने अर्ध बोतल तेल आएगा, तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, चलिए इसका उत्तर दीजिएगा जरूर। करूं
आप प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। पांच दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से, पांच लीटर के जग में, पांच लीटर के जग में पानी भरने, बहुत बड़ा जग है, पानी भरने के लिए पानी भरने के लिए 50 मिली लीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा। 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा। ध्यान समझिए क्या दिया है, अब क्या कह रहा है। कह रहा है 5 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा। हमें 5 लीटर का जो हमारा जग है और हमारे पास जो नापने वाला नपना है या लीटर है, जिसमें लीटर से नापते हैं, 1 लीटर, आधा लीटर, 200 ml, 100 ml, ऐसे होता है। इसी प्रकार हमारे पास जो लीटर है 50 ml का है। 50 ml उसमें क्या आता है, हमारा द्रव आता है, पानी आता है, 50 ml हमारा पानी आता है। और 5 लीटर का जो जग है उसको फुल करना है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस 5 लीटर के जग में 50 मिलीलीटर का जो आपके पास लीटर है उससे हम कितनी बार पानी डालें कि वह जग भर जाए, ये प्रश्न आपसे कह रहा है। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा क्या दिया है, दिया है, अच्छा आपको पता है, मैंने अभी शुरुआत में बताया था, किसी बर्तन में जितना द्रव आ जाता है वह उस बर्तन की धारिता कहलाती है। यानी दोस्तों 5 लीटर के जग में पानी भरने के लिए तो जग की धारिता दोस्तों कितनी दे रखा, जग की धारिता, धारिता बराबर 5 लीटर। अब देखिए किसी भी प्रश्न को लगाने के लिए आपके जो मात्रक यानी कि जो इकाई है वो सेम होनी चाहिए। देखिए यहां लीटर है, यहां मिलीलीटर है, तो चाहे मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करो या लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, दोनों इकाइयां सेम होनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों हम इस लीटर को क्या करेंगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 लीटर बराबर क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं 1000 मिलीलीटर, ये तो सबको पता है, इस बात से सभी परिचित हैं कि नहीं परिचित हैं। तो 5 × 1000 यानी दूसरे का 5000 कितना हो गया, मिलीमीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया। तो यहां भी मिलीलीटर, यहां भी मिलीलीटर। आपसे क्या कहा था, तो जग में पानी भरने के लिए 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार नापना होगा। तो लिखेंगे जग में पानी भरने के लिए 50 मिलीमीटर के नपने से पानी डालना होगा बराबर, डालना होगा बराबर कितना दोस्तों, 5000 को हम इसे 50 से डिवाइड कर दें। क्या, जग में पानी भरने के लिए 50 मिलीलीटर के नपने से पानी डालना होगा बराबर कितना, 5000 को यदि हम 50 से डिवाइड करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कितने बार हमें डालना होगा। तो 0 से 0 गया, 5 × 5, 5 × 5 और 0 0, 100 बार, 100 बार, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो दोस्तों इसके नीचे लिखिएगा, अतः जग में, यहां लिखना है आपको, अतः जग में पानी भरने के लिए 50 मिलीलीटर के नपने से पानी डालना होगा बराबर 100 बार। इस तरीके से पूरा सेंटेंस यहां पर आप लिखिएगा, समझ गए कि नहीं समझ गए, चलिए नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करते रहिए। अगला कह रहा है छठा, कह रहा 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा। ठीक है,
अगला सातवां कह रहा है दोस्तों आपसे, कह रहा है चार लीटर के जग में पानी भरने के लिए 250 मिलीलीटर, 250 यहाँ कितना 250 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा। ठीक है, पानी कह ले दूध कह ले बात देखिए। तो ये जो प्रश्न मैंने आज की क्लास में पूछे हैं जरूर बताइएगा, और आज की क्लास जो मैंने आपको सिखाई है कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और यदि कहीं कोई डाउट है दोस्तों जरूर पूछिएगा। और आज आपका जो चैप्टर कौन सा 14 है, लेक्चर एक ही में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो चैप्टर 14 भी आज आपका फुल्ली कंप्लीट होता। अब दोस्तों चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 15 की ओर चलेंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका सिलेबस दोस्तों शीघ्रता से कंप्लीट होगा, और आप सभी मित्रों को प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। इसलिए आप सभी मित्र वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, और वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों चैप्टर 15 में। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।